चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। और आज हम देखने वाले हैं एमडी क्लासेस का जो सत्यम सर हैं, एमडी क्लासेस का सत्यम सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट आया है, गोल्डन ग्रुप डी के नाम से जाना जाता है, उसका मैथ का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट 3 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं अन अकेडमी की। अन अकेडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ इंडिया के टॉप एडुकेटर जो है अन अकेडमी पर टीच करते हैं। अन अकेडमी आप सभी के लिए बहुत सारा स्पेशल ऑफर जो लेके आए हैं। अगर आप SSC, CGL, CHSL, MTS, GD की तैयारी करते हैं तो आप अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन अकेडमी पर आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारण10 तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 जो है ज़रूर लगाइएगा। देखिए अन अकेडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको क्या मिल रहा है, योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक और SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, जो कि अल्ट्रा कॉम्बैट है। इसमें बैंक और SSC का एग्ज़ाम इंक्लूड है। देखिए अगर हम बात करें, ये अन अकेडमी हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है। यहाँ पे आप देखिए, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, आपके रास्ते में कुछ नया आने वाला है। आप 24 अप्रैल 2022 को एक अल्ट्रा कॉम्बैट एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सारण10 लगाइए और अभी इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 को जो आप ज़रूर लगाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अन अकेडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके साथ ही अन अकेडमी पर बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है, अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बोलूंगा कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 38+6 गुना 0.55 माइनस 2.8 गुना 5 बराबर क्या, इसका मान हम निकाल लेंगे आ जाएगा 38+6 को इससे गुना करेंगे 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 3 33 के 3 हाथ में 3, 6 0 0 यानी कि 3, यानी ये क्या आ जाएगा, अब कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, 0.33 ओ सॉरी मिस्टेक 0.5 है, यहाँ देखिएगा ये 0.55 है। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 3 33 के 3 हाथ में 3, 6 6 यानी ये आपका कितना आ जाएगा 3.30 माइनस, इसमें गुना करेंगे तो 5 2 10 8 5 40 ये आपका 14 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब जोड़ दीजिए 38 और 3 यानी 41.30 में 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 11 में से ये 30 तो इधर रहेगा, 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 यानी कि 27.30 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, तो आप लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि एक्स बराबर 5 - 2 गुना 9/3 गुना 6+2 गुना 3 - 7 - 2 तो x का मान इसमें आपको ज्ञात करना है, x का मान इसी का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना है। का मतलब होता है गुना, यहाँ कर देंगे 3 7 21 में से 2 जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 5 - 2 गुना 9/3 तो पहले भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 3 - 6+ ये आपका 2 - 7 3 21 21 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 19, काम खत्म। 5 - 2 गुना 36 18 + 19 2 38 जोड़ देंगे
पाँच माइनस अठारह आठ आठ सोलह के छः आठ आठ सोलह के छः हाथ में एक एक दो तीन पाँच छप्पन गुना दो छप्पन गुना कितना हो जाएगा 112 यानी कि माइनस का 107 क्या हो जाएगा माइनस का 107 हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन जो है ये भी सरल करना है। पाँच पूर्णांक एक बट्टा दो प्लस सात पूर्णांक तीन बट्टा सात प्लस आठ पूर्णांक तीन बट्टा आठ हल कर देना। पाँच दूनी दस एक ग्यारह बट्टा दो सत्तर उनचास तीन बावन बट्टा में सात प्लस आठ हटाए चौंसठ और तीन सड़सठ बट्टा में आठ। अब देखिए दो सात और आठ का एलसीएम क्या हो जाएगा दो और सात आठ का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा दो सात आठ का अगर हम एलसीएम निकाल दें तो कितना हो जाएगा दो एकम दो सात सात दो चौके आठ दो सात चौक अट्ठाईस दूना छप्पन हो जाएगा ठीक है। दो से कटेगा अट्ठाईस बार में अट्ठाईस को ग्यारह से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अट्ठाईस को कम आठ दो दस जीरो हाथ में एक दो तीन ये आपका हो जाएगा 308 सात आठ छप्पन आठ दूना सोलह आठ पाँच चालीस एक इकतालीस प्लस आठ सात छप्पन सात सात उनचास के नौ हाथ में चार सात छः बयालीस चार छियालीस जोड़ दीजिए आठ छः चौदह चौदह नौ तेईस के तीन हाथ में दो दो तीन छः तीन नौ चार तीन सात चार ग्यारह सौ तिरानवे बट्टा छप्पन ग्यारह सौ तिरानवे बट्टा छप्पन यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार कहता है एक परिवार के तीन सदस्यों की औसत आयु 51 है। दादाजी की उम्र माँ की आयु से तीन गुना है और माँ की आयु बच्चे की आयु के दुगुना है आपको समझिएगा। अब देखिए बच्चा के आयु को अगर हम एक्स मान लें तो इसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी इसका दुगुना हो जाएगा यानी कि 2x तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी दादाजी की आयु क्या हो जाएगा इसकी माँ की आयु कितनी है तीन गुनी है तो ये हो जाएगा तीन गुनी 6x। अब कह रहा है कि पोते की आयु दादाजी की आयु और पोते के आयु में अंतर निकालना है। अब देखिए औसत का कितना कह रहा है आपका 51 है। औसत क्या होता है सभी संख्याओं का जो बट्टा सभी संख्या औसत हमारे पास दादा सभी का औसत दिया है 51 बराबर एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स बट्टे में तीन यहाँ से दो एक तीन छः तीन नौ यानी कि नौ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 गुना तीन ये देखिए तीतरी के नौ तीन से कट जाएगा 17 यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा 17 यानी कि बच्चे की आयु 17 उसकी माँ की आयु 34 और उसके दादाजी का आयु क्या हो जाएगा 17 छः के 102। अब हमसे पूछ रहा है कि दादाजी का और इस बच्चे का यानी पोती का उम्र का अंतर क्या हो जाएगा 102 माइनस 17 यानी कि 85 वर्ष हो जाएगा कितना हो जाएगा 85 वर्ष तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है कि सरल करें अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट 30। जब रूट के अंदर रूट होता है ना तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा ये वाला जो दो ये हमेशा यहाँ पे दो मल्टीपल में होगा ही इसको आपको किस फॉर्म में तोड़ना है तो टू रूट ए रूट बी में तोड़िएगा। किसमें तोड़िएगा जब टू रूट ए रूट बी में तोड़िएगा ना तो इसका जो योग होगा ना इसका योग जो होगा यही आपका इसके बराबर होगा बात को समझिएगा। जब 11 माइनस दो रूट तीन दे यानी कि रूट के अंदर रूट हो तो कभी भी रूट के अंदर जो रूट होगा वो दो के मल्टीपल में होगा दो के गुना में होगा तो उसको तोड़ना है टू रूट ए इंटू रूट बी में और जब तोड़िएगा तो इसका और इसका जो योग होगा ना ये आपका इसके बराबर होगा याद रखिएगा। देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं अब इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 11 माइनस दो अगर रूट छः रूट पाँच को तोड़ देंगे तो देखिए ये दोनों के गुणनफल क्या हो जाएगा इसका योग हो जाएगा यानी कि हम इसे लिख सकते हैं रूट छः का होल स्क्वायर प्लस रूट पाँच का होल स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स रूट फाइव। अब देखिए ये फॉर्मेट क्या बन गया ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी हम कह सकते हैं अंडर रूट रूट सिक्स माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर बन गया ये रूट को क्या कर देगा काट देगा
यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छ। क्वेश्चन नंबर छ कहता है किधर चला गया जी, कि कुछ छात्रों ने परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी या दोनों में शामिल हुआ, यदि 70% छात्र हिंदी पेपर में शामिल हुए तो 50% ने अंग्रेजी का पेपर दिया, तो फिर उनमें से कितने प्रतिशत छात्र दोनों पेपर में शामिल हुए। अब देखिए 70% छात्र अगर हिंदी में शामिल हुए तो 30% छात्र किस में शामिल होंगे, अंग्रेजी में। बात को समझिएगा, अगर प्रश्न कहता है कि 50% छात्र इंग्लिश में शामिल हुए तो 50% छात्र किस में शामिल होंगे, केवल किस में शामिल होंगे, केवल हिंदी में शामिल होंगे, केवल हिंदी में, केवल इंग्लिश में। अब देखिए केवल एक सब्जेक्ट में अगर शामिल हुए छात्रों की संख्या देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 50-30-80%, यानी कि 80% केवल एक सब्जेक्ट में शामिल हुए तो दोनों पेपर में शामिल कौन हुए होंगे। अगर बोथ पेपर की बात की जाए तो 100 में से 80 घटा देंगे यानी कि 20% ही छात्र होंगे जो दोनों पेपर में शामिल होंगे, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है, 4:3:7 है, यदि इनके वर्गों का योग 666 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर इसको हम मान लिए कि ये 4x है, ये 3x है, ये 7x है, अब इसके वर्गों का योग जो है ये आपका 666 के बराबर, तो कर दीजिए 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर को 666 के बराबर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, जो कि 666 के बराबर है। अब इसको जोड़ दीजिए 16 9 25 25, 9 5 14 4, हाथ में 1 2 3 4 1 4, यानी 74x² का मान अगर 666 है तो यहाँ से x² का मान निकल जाएगा 666/74, ये आपका कितना बार में 9 से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 9 4 36 6 3, 9 9 बार, यानी x का मान यहाँ से क्या आ गया, 9 आ गया। जब x का मान हमारे पास 9 आ गया तो हमसे सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या यानी 7 × 9 = 63 क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी, तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 63 होगा सबसे बड़ी संख्या का, 9 3 27, 1 होगा 27, 1 होगा 9 4 36, तो सबसे बड़ी संख्या 63 होगा, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। ओ एक मिनट, माई मिस्टेक, x² = 9 होता है, x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 7x = क्या हो जाएगा, 7 × 3 यानी कि 21, सबसे बड़ी संख्या आपका 21 होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाजित होगा। देखिए 7 से विभाजित कब होगा, जब यहाँ 3 होगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लघुतम समापवर्तक यानी कि LCM 8357 और HCF 1 हो तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा जी, 8357 को 1 से गुणा करेंगे तो 8357 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:4 है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:4, यदि 4 वर्ष पहले ए की आयु और 8 वर्ष बाद बी की आयु के बीच का अंतर कितना है, बराबर है, तो उनके आयु का योग क्या हो गया। ए अगर हम इसे 7x मान लें, इसे 4x मान लें, प्रश्न कह रहा है कि ए के उम्र जो है 4 वर्ष पहले यानी कि 7 - 4, बी के 4 वर्ष बाद यानी कि 4x + 8 साल बाद यानी क्या हो जाएगा, प्लस में 8। अब एक्स को इधर लेके आएंगे तो 7x - 4x, ये 4 उधर जाके जुड़ जाएगा 4 + 8 यानी कि 3x का वैल्यू 12, तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इसका उम्र हो जाएगा 7 * 4 = 28, इसका हो जाएगा 4 * 4 = 16, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है, तो
ऑप्शन ए जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि 6 वर्ष पहले मेरे आयु का 80%, 10 वर्ष बाद मेरे आयु के 60% के समान है तो मेरी वर्तमान आयु के अंकों का योग क्या हो जाएगा। अगर हम कहें कि मेरा वर्तमान आयु अगर x है तो 6 वर्ष पूर्व होगा, 6 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 6 होगा। अब कह रहा 6 वर्ष पहले मेरे आयु का 80%, 6 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 6 का 80% जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरे आयु के 60% के, मेरे 10 वर्ष के बाद क्या आएगा, 10 वर्ष बाद की बात हो जाएगा यानी कि x प्लस 10 वर्ष बाद का आयु का 60% के समान है, 60% के क्या है, समान है तो मेरे वर्तमान आयु के अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10 खत्म हो गया। यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ एक बार और कट जाएगा, 2 के 8 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 24 बराबर 3x प्लस 30। एक्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x, ये 24 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 30 यानी x का मान हो जाएगा 4 और 5, 54 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 54, यानी कि वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु का अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, उसका वर्तमान आयु अगर 54 है तो 5 × 4 कर देना, इसका अंकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि ए प्लस बी बराबर 11, ए बी बराबर 30, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमको निकालना है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब ए प्लस बी का मान कितना दिया, 11, 11 का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमको निकालना है, ए बी का मान दिया है 30 और ए प्लस बी का मान दिया है 11। 11 का क्यूब कितना होता है जी, 1331, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये आपका हो जाएगा 33 का 9, 1199 यानी कि 990। अब 1331 में से 990 को घटा देंगे, हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान यहाँ आ जाएगा, घटा दीजिए 1, 1309 हो गया 4 और 1209 हो गया 3, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दो कुत्ते एक स्थान से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो 2 घंटे में के अंत में वो कितने किलोमीटर दूरी पर होंगे। एगो कुत्ता इधर दौड़ रहा है, एगो कुत्ता इधर दौड़ रहा है, 31 के चाल से 140, इसके सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 30 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 70। अभी 2 घंटा बाद कितना दूर चला जाएगा, 70 × 140 यानी कि 140 मीटर कह दीजिए या किलोमीटर, 140 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, समान राशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। इस तरह का प्रश्न निकालिए, गुना या गुनी माइनस वन, पहल का गुनी माइनस वन, दूसर का गुनी माइनस वन बट्टा T1 / T2 यानी कि समय कितना गुना हो जाता है, 2 गुना तो 2 - 1, 16 गुना होने के लिए क्या हो जाएगा, 16 - 1 4 वर्ष में होता है तो T2 का मान कितना हो जाएगा, 1/15, 1/15 / 4/T2 यानी T2 का मान कितना हो जाएगा, 60 वर्ष यानी कि 16 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, 60 वर्ष का। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक वरिष्ठ नागरिक ने 1800 रुपये पुराना एक टाइपराइटर को खरीदा और इसकी मरम्मत पर 400 रुपया खर्च किया। उसने 1800 रुपया को खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1800 रुपया, उसने 400 रुपया बनवाने में लगाया यानी टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, 2200 रुपया। अब कहता है उसने 2640 रुपया में बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, 2640 रुपया। तो उसे तो उसका लाभ प्रतिशत 2200 रुपये का सामान है 2640 रुपये में बेच दिया, उसको फायदा कितना हुआ, तो 440 रुपये का फायदा हुआ, इतना ही ना हुआ, 440 रुपये का फायदा हुआ 2200 रुपये पे, तो 100% में कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 22 × 44
यानी कि उसे 20% का क्या हो गया, उस टाइप क्या नाम वरिष्ठ नागरिक को 20% का फायदा हो गया, तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक कारखाने में 60 कर्मचारी 7 दिनों में 120 कपड़े मीटर कपड़े सिलाई कर सकते हैं, तो 5 दिनों में 70 कर्मचारी द्वारा कितने लंबाई के कपड़े की सिलाई हो सकती है। इस तरह का प्रश्न बनाइए, M1 D1 बट्टा W1 बट्टा M2 D2 बट्टा W2, मैन डे और वर्क, वर्क कहाँ रहता है नीचे। अब देखिए 60 कर्मचारी 7 दिन में 120 मीटर कपड़ा सिलते हैं, तो 5 दिन में 70 कर्मचारी कितने कपड़ा सिलेंगे, काट दीजिए 60 × 120, 7 × 70 हो गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके गुना हो जाएगा 2 × 5 × 10 यानी कि 100। कितना सिलेंगे जी, 100 मीटर सिलेंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 340 मीटर है, वह 18 सेकेंड में विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले व्यक्ति को पार कर सकता है। यदि ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो व्यक्ति की गति क्या हो जाएगी, यही हमसे पूछा गया है। लंबाई समय, दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूर अगर देखिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे दूरी दे दिया है 340 मीटर, समय हमारा दे दिया है 18 सेकेंड, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में समय, 2 × 18 200 कट जाएगा 170, यानी कि 170/9 मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर में बदलना होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं, 9 × 18 5 × 15 5 × 20, ये आपका हो जाएगा 34 × 68 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक तो 63 के चाल से है, एक 65 के चाल से है, तो 63-65 यानी कि सापेक्ष चाल देखा जाए तो 68 में से 3 जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल होगी, तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अठारह कहता है कि प्रत्येक 729 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 2 घन एक दूसरे से जुड़े हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब का मान हमारे पास दिया है 729, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए 2 घन है, ठीक है, 2 घन मान लीजिए 2 घन है, ठीक है, 2 घन अगर जुड़ेगा, मान लीजिए ये जो भी है ये घन है, तो एक का अगर 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9, यानी इसका जो लेंथ हो जाएगा ना, ये 9 × 18 और चौड़ाई जो भी होगा ये 9 ही होगा, बात को समझिएगा। अब कुल घनाभ का, घनाभ का यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, 9 + 9 यानी कि 18 हो जाएगा, बात को समझिएगा, और चौड़ाई आपका 9 ही होगा और ऊंचाई आपका 9 ही होगा, यानी घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ये 2 × लंबाई × चौड़ाई, चौड़ाई × ऊंचाई, ऊंचाई × लंबाई, 2 × लंबाई × चौड़ाई, लंबाई कितना है 18, ऊंचाई 9, फिर आपका बेस कितना है 9, ऊंचाई कितना है 9 प्लस लंबाई कितना है 18, ऊंचाई कितना है 9, गुना कर दीजिए 2 × 18 = 162, 99 = 81, 18 × 162, जोड़ दीजिए 2 × 2 = 3 × 5, 8 × 14, 14 × 26 के 0 हाथ में, 2 × 2 = 3 × 4, 405 यानी कह सकते हैं 810, कितना हो जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक संपूर्ण त्रिभुज ABC B पर संपूर्ण है और tan A बराबर 4/3 है, यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो BC की लंबाई क्या होगी। एक संपूर्ण त्रिभुज है ABC, B पर संपूर्ण है, ठीक है, tan A का मान 4/3 दिया है, tan A का मान 4/3, tan A का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लंब क्या हो जाएगा 4, ये आधार आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब BC की लंबाई क्या हो जाएगी, जबकि AC का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, बात समझिएगा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अगर हम इसे 4x, इसका मान दिया है 25 का स्क्वायर, अगर BC को 4x मान लें
और एसी को 3x मान लें, इसका स्क्वायर कितना, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 4×16 का एक्स स्क्वायर प्लस 9 का एक्स स्क्वायर, 16×9=25 स्क्वायर, यानी 25×25=625, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान, यानी एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 5, तो हम सब का बी सी का मान क्या हो जाएगा, तो 5×4 यानी कि 20 सेंटीमीटर, बी सी का मान क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बीस है कि पाइप ए और बी एक पुल का क्रमशः 5 और 10 मिनट में भर सकते हैं, पाइप ए जो है इसे 5 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है इसे 10 मिनट में भर सकता है, 2 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, 5×10 का एलसीएम हो जाएगा 10, अगर ए की क्षमता देखा जाए क्या हो जाएगा 10/5 यानी कि 2, बी की क्षमता हो जाएगी 10/10 यानी कि 1। अब 2 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, देखिए 2 मिनट अगर इन दोनों को चालू किया, 2 मिनट तक ये दोनों चला, तो 2×1=3 के एफिशिएंसी से 2 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया 10, तो कितना बच गया 4। अब पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो पाइप ए जो है पूरा भरने में, तो पाइप ए 4 लीटर यूनिट पानी भरने में 2 की एफिशिएंसी से कितना समय लेगा, तो मात्र 2 मिनट का समय लेगा, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इक्कीस कहता है कि tan 0, tan 1, tan 2, tan 3, ……89 डिग्री तक है, तो कह रहे इसका मान क्या, tan 0 का मान ही 0 होता है तो सबका मान क्या कर देगा 0 कर देगा, तो ऑप्शन ए यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग क्या नाम परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2, जिसका मान दिया है 10√2, तो √2 से √2 कट गया, ए का मान यानी भुजा का मान आ गया 10, तो परिमाप क्या होता है 4×2 परिमाप क्या हो जाएगा 4a यानी कि 4×10 40 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेईस कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए, 2:3:5, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, 2×3=5, 5×5=10, 10 रेशियो का मान अगर 180 डिग्री है तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 18 डिग्री। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण 18×5=90, सबसे छोटा कोण 18×36, इसी दोनों का अंतर 36, 600 कर लिया 15 बार में, 3×6=15, यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा 5:2, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौबीस कहता है कि 3 घनों की बजाय 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए घन का क्या होता है, आयतन भुजा क्यूब होता है, अब इन तीनों घनों को अगर पिघला दिया जाए, पिघलाकर अगर बनाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 8 का क्यूब + 1 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 + 1, जोड़ दीजिए 6×2=8, 9 × 1=1, 6×2=8, 9 × 1=1, 2 × 5=729, यानी कि जो घनों को पिघला के बनाया गया वो कितना हो गया 729 हो गया, तो नए घन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब का मान हो जाएगा 729, यहाँ से अगर ए का मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, बात को समझिएगा, अब 9 सेंटीमीटर हो गया ए मैंने पिघला के जो बनाया गया उसका भुजा का मान। अब हमसे पूछ रहा है कि नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, यानी कि 6×9² यानी कि 6×9=81, 6×6=48, यानी कि 486 सेंटीमीटर² हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।